ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा हो गया था बिज़ी। बट मैंने आपको एज़ प्रॉमिस्ड किया ही था कि DRF ई कॉमर्स को कंप्लीट करवाना ही है, तो इसको कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब देखो, मैं आपको इसमें जो है एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया था, है ना। हमने सेटिंग्स में देखो चेंजेस किए थे। सेटिंग्स में हमने दो सेटिंग बना ली थी, अपनी लोकल की और प्रोडक्शन की। फिर हमने मैनेज और PY में चेंजेस किए थे। उसके साथ साथ हमने प्रोडक्ट नाम का एक मॉडल बनाया था, एक अपना ऐप बनाया था, उसके अंदर हमने मॉडल बनाया था ब्रांड, कैटेगरी और प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने ई कॉमर्स के लिए बनाया था। उसके साथ साथ सीरियलाइजर, देखो बनाना बहुत सिंपल है, आप लोगों को आता ही है, तो मैंने जो है सीरियलाइजर भी बना लिया, प्रोडक्ट सीरियलाइजर, प्रोडक्ट लाइन और ब्रांड कैटेगरी सीरियलाइजर। अच्छा, प्रोडक्ट लाइन कई लोग भूल गए होंगे। देखो सिंपल क्या है, प्रोडक्ट तो हमारे सिंपल प्रोडक्ट है, बट उसकी माइनर डिटेलिंग की प्राइस क्या है ये, और ये स्टॉक क्वांटिटी क्या है, SKU क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इफेक्टिव क्या है, जैसे कि इसको रीड कैसे करते हैं। यानी आपको मैंने कई बार बोल रखा है फॉरेन की को रीड करना आना चाहिए। इसमें ये बोल रखा है कि सिंगल प्रोडक्ट के मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन होंगे, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट के मल्टीपल डिटेलिंग हो सकती है। सिंगल प्रोडक्ट के हो सकता है प्राइस कम हो ज़्यादा हो, स्टॉक कम हो मल्टीपल हो ज़्यादा हो। SKU क्या होता है, एक ID होती है, मैंने बताई थी आपको। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है और इफेक्टिव, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। सीरियलाइजर हमने सिंपल क्रिएट कर लिया था, और टेस्ट वेस्ट वगैरह मैंने अभी कुछ क्रिएट नहीं किया था। View.py में मैंने क्या बोला था, देखो मैंने एक मैंने व्यू सेट बनाया था, और व्यू सेट में हमने कैटेगरी को लिस्ट करने के लिए देखो ये बना दिया था डेफ लिस्ट। और अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं चल के यहाँ पे जो है Django REST फ्रेमवर्क खोल लेता हूँ। Django REST फ्रेमवर्क, और Django REST फ्रेमवर्क को खोल के ट्यूटोरियल्स में नहीं, API में, व्यूज़ में, व्यू सेट्स में, सॉरी, तो व्यू सेट्स में गए, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सिंपल हमने जो है जो प्रोडक्ट मैं डालूंगा उसको दिखाने के लिए मैंने एक व्यू सेट्स बनाया, व्यू सेट डॉट व्यू सेट, और लिस्ट नाम का फंक्शन वो लोग पहले से ही देते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने बात की थी, ये लिस्ट नाम का फंक्शन पहले से ही है। अब देखो डिफरेंस क्या है, दिक्कत क्या है इसमें, यह है कि पहले तो इतना ही समझ लेते हैं, कैटेगरी है, ब्रांड व्यू सेट है, ये भी लिस्ट है, प्रोडक्ट व्यू सेट है, तो इसमें भी ये रही लिस्ट, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या क्या कुछ दिक्कतें बताई थी। कुछ दिक्कत ये है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को फेच करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो वो रिट्रीव हम PK के हिसाब से करते हैं, और अगर PK के हिसाब से हमको सर्च नहीं करना है तो उस केस में हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा एक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने आपके लिए क्या करता हूँ, नोट्स भी बना लेता हूँ यहाँ पे, कि हमारे नोट्स भी रेडी हो जाए, notes.txt। तो पहला पॉइंट हमारा जो है जो हमको याद रखने की ज़रूरत है कि एक्स्ट्रा अंडरस्कोर एक्शन, इसके बारे में आप लोग सर्च करेंगे, ये क्या है, यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिट्रीव, ठीक है। रिट्रीव हमको जो रिट्रीव करना पड़ता है अदर फ्रॉम PK, हमको PK से सर्च नहीं करना, ठीक है, हमको PK से सर्च नहीं करना है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा एक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ views.py में। देखो कैटेगरी, क्या मेरे को कैटेगरी को ID के साथ सर्च करना है, ID के साथ सर्च नहीं करना, तो मेरे को सर्च तो करना है, वो करना है उसके नाम के हिसाब से, कैटेगरी के नाम के हिसाब से, बट मेरे को लगना नहीं कि कैटेगरी के नाम के हिसाब से मैं कैटेगरी को ही सर्च करूँगा, तो इस चीज़ की मेरे को यहाँ पर ज़रूरत नहीं लग रही है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने लोगों हटा दिया यहाँ पे सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे एक ये क्वेरी सेट मैंने क्रिएट कर रखी ना, क्वेरी सेट मैं बाहर ही क्रिएट कर लेता हूँ, ये रही मेरी बाहर क्वेरी सेट, बाहर क्रिएट कर ली, और ये वाली क्वेरी सेट में मैंने सेल्फ लिख दिया self.queryset। फिर यहाँ चलते ब्रांड, क्या मैं किसी ब्रांड को जो है सर्च करूँगा, क्या मैं किसी ब्रांड को सर्च करूँगा, ठीक है, तो नहीं करूँगा, तो एक्सटेंडेड स्कीमा, इस चीज़ को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो ये लगाया ही क्यों था जब सर्च नहीं करना था, तो भाई ये मैंने इसलिए लगाया था, एक्सटेंडेड स्कीमा है ये, आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दी, ये एक्सटेंडेड स्कीमा है। नोट्स में क्या लिख रखा है मैंने, एक्स्ट्रा एक्शन, एक्सटेंडेड स्कीमा मेरे को लगाना ही लगाना है। कब लगाना है, जब मेरे को अपनी डॉक्यूमेंटेशन में ये भी दिखाना है कि कैटेगरी व्यू नाम की टेबल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो तो मैं आपको ऐसे बता रहा था, इसलिए मैं उसको वापस ले आता हूँ। ये देखो मैं वापस ले आया, एक्सटेंडेड स्कीमा, यानी कि जो स्कीमा बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो स्कीमा मैं बना रहा हूँ वो ये रहा है, DR स्पेक्टेकुलेटर का एक्सटेंडेड स्कीमा है। मैं एक्स्ट्रा एक्शन की बात कर रहा था अभी,
क्वेरी सेट को मैं बाहर ही कर देता हूँ, क्वेरी सेट को मैं बाहर करके यहाँ पे सेल्फ डॉट क्वेरी सेट लिख दूंगा, ठीक है। तो ये ठीक है, प्रोडक्ट में भी अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में मैं एक्स्ट्रा एक्शन का इस्तेमाल करूँगा, ये एक्शन है, ठीक है। अब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी ये तो सेम है एक्सटेंडेड स्कीम है। क्वेरी सेट में मेरे को सेल्फ लिखना ज़रूरी है, सेल्फ, और सेल्फ की क्वेरी सेट ये रही, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट को मेरे को सर्च कैसे करना है, मेरे को प्रोडक्ट को सर्च करना है एज़ पर कैटेगरी। मैंने आपको फ्लो बताया ही था कि आप जो है सर्च करेंगे, सर्च दी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो हम चलते हैं दोबारा से अपने व्यूज डॉट पाई में, और ये रहा प्रोडक्ट, मेरे को प्रोडक्ट ही चाहिए, बट किसके हिसाब से चाहिए, कैटेगरी के हिसाब से। तो एक आराम से फंक्शन बनाओ लिस्ट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, और इसमें ये सारी चीज़ ले लो और अपनी प्रोडक्ट को जो है फेच कर लो। तो फेच करने के लिए मैंने क्या बताया था, सेल्फ डॉट क्वेरी फिल्टर आउट कर लो, कैटेगरी कर लो, बट कैटेगरी के भी नेम के हिसाब से कर लो। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था, इज इक्वल टू कैटेगरी, और मैंने इज इक्वल टू ट्रू क्यों करना है, क्योंकि आपको सीरियलाइज भी करना है, बहुत सारे आ रहे हैं। सीरियलाइज डेटा आपको मिल गया, रिटर्न सीरियलाइज डॉट डेटा कर देना। अब ये एक्शन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपना बाय डिफॉल्ट खुद का फंक्शन बना रहा हूँ और कैटेगरी के हिसाब से सर्च कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे एक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यूआरएल पाथ बताना पड़ेगा कि कौन से यूआरएल पाथ में आप हो। मेथड आपका गेट है, डिटेलिंग नहीं देनी है, डिटेलिंग उसकी नहीं देनी है, इज इक्वल टू फॉल्स, इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया। ये मेरा एक्शन है। इसके अलावा देखो और कुछ नहीं है इस कोड में, और कुछ नहीं है। ब्रांड वाला भी देखो सिंपल ही है, ब्रांड वाला भी कुछ नहीं है, सिंपल है, और ये वाला भी कैटेगरी वाला भी सिंपल है, बट थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड जो किया है वो प्रोडक्ट व्यू वाले में किया है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखो मेकिंग एक्सट्रैक्शन राउट, ये देखो ये रहा, ये रहा। इसमें देखो ये पीके के हिसाब से अपना कस्टम फंक्शन बना रहे हैं हम, यहाँ पे जो है किसी के भी हिसाब से सर्च कर सकते हैं, पीके की जगह किसी के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एक्शन वाला जो पार्ट है ना, मेकिंग एक्स्ट्रा एक्शन फॉर राउटिंग, ये वाला पार्ट जो आप सर्च करोगे तो इसको आपके हिसाब से जो है सर्चिंग कर पाओगे आप, ठीक है। जैसे इसमें भी क्या कर रखा है, रिसेंट यूज़र के हिसाब से क्या करना है आपको, फेच करना है मान लो कुछ, तो रिसेंट यूज़र को यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से क्वेरी सेट ही तो है आपका, सेल्फ डॉट क्वेरी सेट ऑर्डर बाय और माइनस, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो लास्ट लॉगिन वाला पार्ट, ठीक है। तो सिंपल है, ऐसी चीज़ आपकी हो जाएंगी। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी फिर से वही है, एक्शन इज इक्वल टू डिटेल इज इक्वल टू ट्रू, मेथड इज इक्वल टू पुट अ नेम, ये सब भी दे सकते हैं आप। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ वो आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल द अबो पासवर्ड सेट एंड अनसेट मेथड कुड बी कंसोलिडेटेड इनटू अ सिंगल राउट, कोई ऊपर सेट अनसेट करके मेथड है ये, देखो ये रहा, ठीक है। तो एक्शन डेकोरेटर का, इस एक्शन डेकोरेटर का मीनिंग क्या है, इस एक्शन डेकोरेटर का मीनिंग क्या है, ऊपर चलते हैं और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, और नीचे चलते हैं ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एन एडॉक मेथड, अचानक से ही कोई मेथड आ रहा है, दैट शुड बी राउटेबल, और वो ऐसा फंक्शन बना रहे हो जिसका एक यूआरएल भी होना चाहिए, आप उसको डेकोरेटर मेथड के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि आप एक अचानक से अपना ही फंक्शन बना रहे हो जो इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, ठीक है। तो वो आप एक्शन की मदद से बना सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक्शन जो है वो कस्टम एडहॉक मेथड बनाता है जो राउटेबल होते हैं, ठीक है। एक्शन मेथड ये बनाता है, एक्शन मेथड का मतलब ये नहीं कि सर्च ही करना, सर्च करना ही है, एक्शन किसी भी फंक्शन को जो आप अचानक से बना रहे हो वो उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लाइक रेगुलर एक्शन, एक्स्ट्रा एक्शन मे बी इंटेंडेड टू आइदर अ सिंगल ऑब्जेक्ट और एंटायर कलेक्शन, कुछ भी कर सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट भी ले सकता है और ये भी कर सकता है। टू इंडिकेट दिस, डिटेलिंग ट्रू कर दो, फॉल्स कर दो, ताकि डिटेलिंग वगैरह हम आपको मिल जाएंगी। द राउटर विल राउट इट्स यूआरएल अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे जो यूआरएल वाला पार्ट है वहाँ पे आप यूआरएल लिख दो कि कौन से यूआरएल में आपको जाना है, ठीक है। तो वो आपको जो है सब कुछ बता देगा, वही मैंने यहाँ पे किया हुआ। तो इतना जो है मैंने आपको बता दिया, अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बताऊँ, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखो यूआरएल पाथ बना रखा है, मेथड इज इक्वल टू और डिटेल इज इक्वल टू फॉल्स। अब देखो पिछली वीडियो में चल नहीं रहा था, क्योंकि बस यही दिक्कत थी, क्योंकि हमने जो है थोड़ा सा जल्दीबाजी में यहाँ पे सेल्फ लिखना भूल गए थे, एक तो यहाँ पे सेल्फ लिखना भूल गए थे, और मैंने जो अपना एक्शन है वो दोनों जगह डिफाइन कर दिया था, अपने कैटेगरी व्यू में भी और प्रोडक्ट व्यू में भी, इसलिए दिक्कत आ गई थी। तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे फिर से, देखो पेज नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि हमको ये वाला पाथ कॉल करना है, इसलिए स्लैश दिस, और अब की बार देखो सारे फंक्शन जो है चलने चाहिए, सारे के सारे फंक्शन चल जाने चाहिए। वो एक्सटेंडेड स्कीमा जो इसलिए बनाया था ताकि ये दिख जाए, मेरे को पता चल जाए कि ये यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा मेरे को दिखता है। पहले मैं ब्रांड को गेट करके देखता हूँ, ब्रांड सारे सारे मैं मेथड को चेक करूँगा, एग्जीक्यूट किया
चल रहा है, देखो अभी कुछ है नहीं, मैंने सब डिलीट कर दिया था, कोई एरर नहीं है। कैटेगरी ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट, और देखो कैटेगरी में भी कुछ नहीं आ रहा, एकदम ठीक चल रहा है मतलब। ये भी प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट चेक करता हूँ, सबको डिलीट कर चुका हूँ, पूरा सब कुछ खाली कर चुका हूँ, तो यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है। और मैं कैटेगरी को मेरे को देना है यहाँ पे, कैटेगरी को देना है यहाँ पे। अच्छा ये इसको कैसे पता चला कैटेगरी को देना है, क्योंकि पहली बात तो ये प्रोडक्ट वाले फंक्शन में हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट सर्च, और ये मैंने जो है अपने यूआरएल में डिफाइन कर रखा है, कैटेगरी कैटेगरी ऑल, है ना, ये प्रोडक्ट के अंदर मैंने डिफाइन कर रखा है। देखो कैसे, कैटेगरी फिर कैटेगरी फिर ऑल, है ना, ये प्रोडक्ट व्यू सेट के अंदर मैंने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये है मेरा, और ये मेरा वही एड हॉक फंक्शन, ये मेरा एक्शन है, ये मेरा एक्शन है, याद रखना इसको। कोई भी कैटेगरी दे सकते हो, मैंने कैटेगरी दे दी है, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, लास्ट टाइम एरर आ रहा था, और देखो अब कोई एरर नहीं आ रहा। देखो सर्च इस हिसाब से ही कर रहा है ना, इस हिसाब से ही सर्च भी कर रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो फिर से यहाँ पे notes.txt में, और यूज़ टू वन वन, ये तो ठीक है, यूज़ टू ये हमने कब रिसीव किया, बट एक्स्ट्रा एक्शन तो ठीक है, एक्शन के बारे में और लिख देता हूँ मैं। एक्शन का मतलब क्या है कि एड हॉक राउटेबल मेथड्स को डिफाइन करने के लिए, एड हॉक मतलब कोई भी कस्टम मेथड को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, और जो कि यूआरएल रखते हैं, मतलब जिनके अंदर यूआरएल अपना होता ही है, कोई भी अचानक से आ रहा है मतलब, और जो फंक्शन है वो फंक्शन यूज़ नहीं हो, यो वो फंक्शन की मेथड जो है वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट रिट्रीव अपडेट पार्शियल अपडेट डिस्ट्रॉय, यहाँ पे जो नहीं है हमको अपना खुद से ही अलग बनाना है, खुद से तो हम बनाते ही रहते हैं, इसलिए हम जो है एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप जो है इसके बारे में थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको मिली होगी कि एक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले एडमिन में जाके सब कुछ मैं पहले से ही ऐड करके आऊँगा, और आप लोग भी सब कुछ ऐड करके आना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।